नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप अपना जो है कि पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं, किसी फ़ोटो को जो है कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं। जैसे कि कोई फ़ोटो हो गया या फिर डायरेक्ट फ़ोटो खींच करके उसको पीडीएफ आप कैसे बनाएंगे, यही आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है कि अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। यहाँ से जो है कि प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ से सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है यहाँ पर DOC डॉक्यूमेंट स्कैनर, ये वाला जो यहाँ पर मैंने सर्च किया है, जो लिखा हुआ है DOC स्कैनर, तो यहाँ पर इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद देखेंगे यहाँ पर ये वाला हमें डाउनलोड कर लेना, जो कि मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ पहले से ही, नहीं तो अभी डाउनलोड करते तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इसके बाद जो है कि यहाँ से देखेंगे हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, यही वाला सिंबल देख पा रहे होंगे लोगों। तो इसको हमें डॉक्यूमेंट स्कैनर PDF कैसे क्रिएशन करके नाम आता है, तो इसको हमें ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे यहाँ से देखेंगे, ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपको मतलब एक पेज का, दो पेज का, 3, 10, 12 जितने पेज का बनाना चाहते हैं PDF, उसने पेज का PDF बना सकते हैं। तो इसलिए वीडियो कहीं भी बीच में स्किप नहीं करिएगा। तो यहाँ पर जो है कि हमें नेक्स्ट सब कर देना, नेक्स्ट इस तरह से, तो लास्ट में आएगा फिनिश, तो हमें फिनिश पर क्लिक कर देना है। अब मेन काम यहाँ से शुरू होता है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद तो देखेंगे यहाँ पर जो है कि कैमरा का लोगो बना हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर प्लस का आइकन बना हुआ है कहीं कहीं, मतलब यहाँ गैलरी का जो लोगो होता है वहाँ बना रहता है। तो अगर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारा गैलरी खुल जाएगा, वहाँ से आप मतलब फ़ोटो को लेकर के PDF बना सकते हैं। तो हमें जो है कि मतलब बताना है डायरेक्ट फ़ोटो लेकर के PDF को बनाना, तो यहाँ पर हमें कैमरे वाले क्लिक कर देंगे, मतलब डायरेक्ट फ़ोटो लेकर के हम आपको दिखाएंगे। ये जो मैंने बुक रखा हुआ है, इससे मैंने फ़ोटो लेकर के खींच के दिखाऊंगा। अगर आपको मतलब आपके फ़ोन में मतलब फ़ोटो इसका PDF बनाना, तो यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके आप वहाँ से जा करके कर सकते हैं। तो चलिए हमको कैमरे के थ्रू आपको दिखाते हैं। अभी देखेंगे यहाँ पर जो है कि मैं अपना कैमरा ओपन कर लेता हूँ। पहले यहाँ पर देखेंगे अलाउ कर देना है, यहाँ से अलाउ करने के बाद देखेंगे यहाँ से जो है कि मेरा कैमरा खुल गया है। यहाँ से अब मैं अपना आपको अपना बुक ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ मैं अपना बुक ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे जो मतलब फाइल बनाना है PDF फाइल, तो यहाँ पर देखेंगे हम ये फ़ोटो खींच लेते हैं। एक यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऐसे में फ़ोटो खींच लेना है, ऐसे फ़ोटो खींच लेंगे। फ़ोटो खींचने के बाद देख पा रहे होंगे यहाँ से हमें एडजस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब फ़ोटो अपने हिसाब से खींच करके यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे मतलब क्रॉप कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसको करने के बाद फिर देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर जो है कि कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो मतलब अभी इस यहाँ पर हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू पर कर देंगे, कंटिन्यू पर करने के बाद अगर आपको और फोटो लेना है तो यहाँ कैमरे पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैं और एक आध फोटो ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि एक फ़ोटो और ले लेता हूँ यहाँ पर एक और फ़ोटो ले लेता हूँ। इसी तरह से आपको जितनी भी फ़ोटो लेनी है यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए शो हो रहा है, दो फोटो हो चुका है। अभी और फोटो हमें लेना है, जैसे कि अभी आगे से और फोटो ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर फिर एक फोटो क्लिक कर लेते हैं यहाँ से, ऐसे देखेंगे यहाँ पर एक कैमरे पर, यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देता हूँ, फिर से एक फोटो हो गया। इसी तरह से आपको जितनी फोटो लेनी है, जितनी फ़ोटो लेनी है यहाँ से आप उसको उतनी फ़ोटो ले सकते हैं। अगर और फोटो लेना है तो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जैसे और फोटो लेना है तो यहाँ फिर कैमरे पर क्लिक करके वही वाला प्रोसेस कर लेना है। जैसे मेरे 3 फोटो हो गया, अब चेक करना है कौन कौन सा फोटो हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं मतलब कौन कौन सा फोटो हमारे में आया है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ से बैक हो जाना है इसको देखने के बाद, फिर यहाँ देखेंगे सही का आइकन शो हो रहा है। आपको नीचे लेकर आते हैं यहाँ पर देखेंगे जो है कि सही का आइकन शो हो रहा है यहाँ पर, तो हमें सही वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर राइट वाले इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐड आएंगे, मतलब पहली बार जब ऐप ओपन करेंगे तो इस तरह के इसको हमें कट कर देना है। कट करने के बाद देखेंगे यहाँ पर जो है कि अब सिंपली नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सेव, तो हमें सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन आ रहा है, सेव ओनली दिस फाइल और सेव यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आ रहा है। तो जो है कि यहाँ पर, तो यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है, यहाँ नीचे वाले पे
डॉक्यूमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हमारे मतलब डॉक्यूमेंट का जो फाइल बनेगा उसका नाम यहाँ पर एडिट करने के लिए आ रहा है, चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है एडिट वाले पे, तो यहाँ से जो है कि अपना पीडीएफ फाइल का नाम यहाँ बना सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इस तरह से मैंने लिख दिया। लिखने के बाद जो है कि यहाँ से ओके कर देंगे। अब फाइल का नाम यहाँ देख पा रहे होंगे पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो गया है। अब यहाँ से हमें जो है कि देखेंगे नीचे से पूछ रहा है मतलब कहाँ हम इसको सेव करना चाहते हैं। इंटरनल स्टोरेज अगर हमारे मेमोरी कार्ड नहीं लगा है, मेमोरी कार्ड आप में लगा होगा तो मेमोरी कार्ड भी शो करेगा। माई डॉक्यूमेंट सेव टू क्लाउड मतलब गूगल ड्राइव कहाँ सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। हमें इंटरनल स्टोरेज में सेव करना है तो इंटरनल स्टोरेज पर हमें यहाँ से क्लिक कर देना है। इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ से देखेंगे पूछ रहा है फोल्डर, किस फोल्डर में हमें मतलब यहाँ पर सेव करेंगे, फोल्डर मतलब किस फाइल में मतलब हमें यहाँ पर सेव करना चाहते हैं। जिस फाइल में आपको सेव करना है वो फाइल क्लिक करके सेलेक्ट कर दीजिए, नहीं तो हमें नया फोल्डर अगर बनाना है तो यहाँ से हम नया फोल्डर बना सकते हैं। क्रिएट न्यू फोल्डर ऊपर शो हो रहा है तो हमें क्रिएट न्यू फोल्डर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है कि हम बना देते हैं कोई फाइल, वैसा फाइल बनाते हैं जो हमें ढूंढने में भी आपको दिखाएंगे ढूंढने में आसानी हो। तो यहाँ पर जैसे हम बना देते हैं अभी वीवो मोबाइल, वीवो मोबाइल के नाम से मैंने फोल्डर बना दिया, यहाँ पर ओके कर दिया। मैंने इसलिए ऐसा फोल्डर बनाया है ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो भी फोल्डर जो मैं आपको दिखाऊंगा फाइल को। तो फोल्डर बनाने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर यूज दिस फोल्डर पर क्लिक कर देंगे। यूज दिस फोल्डर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर अलाउ करने का ऑप्शन आ रहा है तो हमें अलाउ पर क्लिक कर देना है। अलाउ जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर सेव देखिए हो गया है, सेव सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है और नीचे डन करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखिए पीडीएफ का साइज यहाँ शो हो रहा है फाइल का और यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज वीवो मोबाइल फोल्डर में यहाँ शो हो रहा है सेव हो गया। तो यहाँ से हमें डन कर देना है। डन करने के बाद सिंपली इसको हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद सिंपली हमें अपना जो है कि फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। आपके मोबाइल में जिस नाम से फाइल हो उसको ये वाला फाइल ओपन कर लेना है। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग किसी में फाइल रहता है, किसी में फाइल मैनेजर के नाम से रहता है, मतलब वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए इंटरनल स्टोरेज में मैंने सेव किया हुआ था, यहाँ पे हमें इंटरनल स्टोरेज में आ जाना है। इंटरनल स्टोरेज में आने के बाद देखेंगे हम जो है कि वीवो मोबाइल के नाम से जो है कि फाइल सेव किए थे मतलब वहाँ पे नाम। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ, देखेंगे यहाँ जो है वीवो मोबाइल यहाँ पर नीचे शो हो रहा है। दोस्तों ये आपको ढूंढ लेना है, ये आपके मोबाइल में आपका जो मोबाइल होगा उसके हिसाब से फोल्डर शो करेगा ऊपर नीचे। तो देखिए यहाँ वीवो मोबाइल शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है कि ये हमारा जो है कि फाइल मतलब 3 पेज का था मतलब डॉक्यूमेंट में यहाँ पर बन चुका है। देखिए आपको जिस जितने मतलब पेज में बनाना है उतने पेज में आप बना सकते हैं। देखिए 1 पेज 2 पेज 3 पेज इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट बन करके तैयार हो चुका है। इस तरह से आप भी अपना जो है कि डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं बन करते से। नहीं तो जैसे कि और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर फाइल आपको यहाँ पर आएंगे देखेंगे जो है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट शो हो रहा है मेरे में। ये मेरा वीवो का फ़ोन है, अगर आपका रियलमी का फ़ोन होगा तो उसमें शायद शो करता होगा कि नहीं करता होगा। तो डॉक्यूमेंट में जितना रहेगा ये डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो डॉक्यूमेंट फोल्डर जब ओपन करेंगे तो देखेंगे अभी अभी जो मैंने 2 मिनट पहले यहाँ शो हो रहा है जो मैंने फाइल बनाया तो यहाँ मतलब पीडीएफ फाइल तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। इस तरह से दोस्तों आप भी अपना जो है कि पीडीएफ फाइल बना सकते हैं पीडीएफ को किसी भी फोटो को डॉक्यूमेंट के रूप में। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएँ कि वीडियो कैसी लगी।